आपको बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी है। इसी के तहत रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी सरकार से 15 साल के जवाब मांग रहे हैं और साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई जवाब ही नहीं है, कोई काम किया हो तो जवाब दे। वहीं महेंद्रगढ़ में कांग्रेस के विधायक और भूपेंद्र हुड्डा के खास रावदान सिंह पर ईडी की रेड पड़ी, जिस पर हुड्डा किनारा करते हुए बोले, ये पुराना मामला है, ईडी जांच कर रही है। नहीं भी कुछ है नहीं, जो पुराना केस चल रहा है और दान सिंह का इसमें कुछ नहीं है, वो तो आज की बात, आज का केस थोड़ा ये पुराना है। तभी तो ईडी का काम ईडी करेगी, ईडी से क्या है, जब कोई कोई अगर कोई दोषी है तो जवाब ही नहीं है उनके पास, जवाब ही नहीं है उनके पास। जो है कोई भी जो सवाल 15 उठाए हमने, उसका कोई जवाब नहीं है। जो लोग उठा रहे हैं पूछ रहे हैं क्या किया तुमने 10 साल में, कुछ किया हो तो बताएं। युवाओं के साथ जो है उनके भविष्य के साथ अंधकार में डालने की बात, जो खिलवाड़ है उनके साथ। हरियाणा जहां से 5,000 भर्ती होते थे पुलिस में, आज 300 कुछ में रह गए। अग्निवीर का हमारा साफ ये है कि अग्निवीर ना तो फौज की डिमांड है, ना फौज के इतने हैं, ना देश के इतने हैं, ये ना कोई चाहता है, ना फौजी चाहते हैं।